हेलो दोस्तों, ये देखिए उम्मेद पैलेस के बाहर वाले जो मकान बने हुए हैं ये बिल्कुल गोल्डन कलर के हैं। ये उम्मेद पैलेस में जाने का रास्ता है। ये देखिए, ये मेन गेट पर आ चुके हैं हम। ये भी कोई दर्शक आए हुए हैं, ये हम अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर है जो टिकट मिलते हैं यहाँ पर। मैं भी यहाँ पे टिकट ले लिया है और अब अंदर जा रहा हूँ। ये देखिए बाहर से कितना अच्छा लग रहा है उम्मेद पैलेस, बहुत ही शानदार तरीके। देखिए गाइस, उम्मेद पैलेस की मैं आपको एक इंफॉर्मेशन या सूचना देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। भाई, उम्मेद पैलेस को 1929 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसे बनने में लगभग 15 साल लगे थे और 1944 ईस्वी में ये बनकर पूरा तैयार हो गया था दोस्तों। और उस समय में 95 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आया था। अभी इस वर्तमान में 95 लाख कुछ नहीं है, जो करोड़ों रुपए खरबों रुपए के अंतर्गत चले जाएंगे। और इसको इसके अंदर तैयार करने में 3000 लोगों ने सहयोग दिया और रोजगार भी मिला। कितना अच्छा बनता है ये देखो, कितना लगा अच्छा आपको। और एक सूचना, ये पत्थर बिना सीमेंट और चुन्ने के बने हुए हैं। देखिए, अगर बिना चुना और सीमेंट के अगर बनते हैं तो वो कुछ ही क्षण के लिए नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इनको कितना मजबूत तरीके से इसको बनाया गया है। इसके अंदर ना ही आपको सीमेंट मिलेगी और ना ही किसी प्रकार का चूना मिलेगा। ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत बाहर से डिजाइनिंग कर इसको तैयार किया गया है। बाहर से लोग आए, इंजीनियर भी आए, ठीक है, और कितना शानदार इसको बनाया, लुक दिया है। देखो, इसके अंतर्गत होटल भी है, राजा महाराजा जो रहते थे। ये देखिए, इसके पीछे एक पार्ट और है, जो इसके पीछे जो होटल है, यहाँ पर तो अभी गजेंद्र सिंह जी वगैरह रहते हैं, महाराजा वगैरह। ये देखिए कितना, और ये पत्थर है वो क्षत्रिय पत्थर माना जाता है, जो सफेद है, ब्लैक नहीं होता है। कितने साल हो गए फिर भी एकदम ये सफेद का सफेद। अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये रास्ता जो जाता है वो संग्रहालय के अंतर्गत जाता है। अब देखते हैं संग्रहालय के अंतर्गत, आपको ये देखिए गजेंद्र सिंह जी की मूर्ति एकदम सामने, उनके पिताजी वगैरह की होगी, ठीक है। और ये देखिए कितने शानदार तरीके से बना हुआ है, दीन इलाही वगैरह के नाम से यहाँ पर राजा बैठते थे और यहाँ पर सभी जगह लोग अदालत मानी जाती थी, ये सूचना देते थे यहाँ पर। और यहाँ पर वो चारों तरफ देखिए ये कितनी डिजाइन की गई है शानदार तरीके से। ये देखिए, मैंने तो दोस्तों ये पहली बार देखा है आके। अगर ये आपको अगर अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और आगे से शेयर करना। ये देखिए, खूब सारे लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल म्यूजियम, कितना शानदार म्यूजियम बनाया हुआ है। देखिए, और दोस्तों एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, यह है जो 26 एकड़ के अंतर्गत बना हुआ पूरा उम्मेद पैलेस। ये देखिए एक नमूना या मॉडल कह सकते हैं, जो कांच के अंतर्गत पैक है, उम्मेद पैलेस ऐसे बना हुआ है। ये सामने जो दिख रहा है छोटा सा, ये म्यूजियम है जहाँ शादी वगैरह सब कुछ करते हैं और विदेशों से लोग यहाँ पर खूब सारी कमाई करवाने के लिए आते हैं। यहाँ पर हम सभी राजा महाराजा, जो पुराने राजा महाराजा हुए थे, उनकी पूरी की पूरी तस्वीरें लगी हुई है और पूरी की पूरी यहाँ पर लिखित में आपको जानकारी मिल जाएगी कौन सा राजा कौन से सन में हुआ था। और ये देखिए, पुराने अस्त्र शस्त्र जो भी काम में लेते थे उन चीज़ों को यहाँ पर सजा कर म्यूजियम बनाया गया। ये देखो, तलवार वगैरह है, वाले वगैरह वस्त्र, ये घड़ियाँ हैं, खूब सारी अच्छी से अच्छी, ये देखो डिजाइनिंग के साथ रखे हुए हैं। ये देखो, यहाँ पर राजा महाराजा या जो भी पैसे वाले होते हैं ये डिनर वगैरह लंच वगैरह करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये सबसे महंगा है, एक्चुअल में खूब पैसे लगते हैं आम आदमी। ये देखो, शिकार करने की चीज़ें हैं यहाँ पर, शिकार करने की चीज़ें जो पुराने समय में करते थे उनको म्यूजियम के अंतर्गत रखा गया है। हेलो गाइस, ये है दीवानी कास, यानी कि यहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठकर कुछ करते थे। ये देखो कितना बड़ा ग्राउंड है, कितना अच्छा लगता है ये। ये देखिए, पत्थरों के अंतर्गत आपको लगेगा कि भाई पत्थर एक ही पत्थर है, लेकिन इसको अलग अलग टुकड़ों में जॉइंट करके रखा गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अंतर्गत किसी प्रकार के सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा
ये है होटल दीवाने कास, यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर अभी हम बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे राजा जी बैठते थे और वो अदालत के बारे में जो भी पूछना बता होता था या फिर कोई भी जुल्म वगैरह करते थे तो यहाँ पर बैठकर सभी को बताया जाता था, हाँ ये जुल्म करता है या नहीं करता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। धन्यवाद। ये देखिए कितना शानदार दीवाने कास बना हुआ है, 1929 ईस्वी में इतना सुंदर बनाया गया था, अभी वर्तमान में तो 2022 में तो ये कोई बना ही नहीं सकता। कितना सुंदर, कितना सटीक और कितना प्यारा बनाया हुआ है, ऐसा आपको कहीं और दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आगे और बने रहे। पुराने समय की घड़ियां अब आपको बताई जाएगी। ये देखिए कितनी 100 पीस घड़ियां हैं जो विदेशों से लेकर आई हो, कोई थाईलैंड, ब्राज़ील, लंदन, अलग अलग जगहों से गिफ्ट में राजा महाराजाओं को दी जाती थी। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर घड़ियां हैं यहाँ पर। अगर आप इस म्यूजियम को देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लुभावना लगेगा। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर घड़ियाँ पड़ी हैं। मैं एक बार और वापस इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई ये 1929-30 में बना था, ठीक है, और 15 साल लगे थे इसको बनने में, और 3000 लोगों को मैंने बताया था आपको वर्क मिला था, लेकिन मैंने यहाँ पर बताया था भाई चूने और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया कहीं पर, आप कभी भी इसको इधर उधर कर सकते हैं। ये देखिए पहले मॉडल बनाया गया था और इसके पीछे जस्ट मॉडल के जस्ट साइड के अंदर जो दीवार है उसकी तरफ होटल है यहाँ की बहुत। ये देखिए ये यहाँ पर है इसके बैक साइड में जहाँ मैं जा तो नहीं सकता, बहुत ही महंगा है इसके कारण सिर्फ आज। ये दोस्तों है ब्लू सिटी का पोर्ट यानी कि किला। इस किले के अंदर ये तोपे हैं पुराने जमाने की और ये देखिए एक नमूना बना हुआ है इसके अंदर। ये देखो चारों तरफ से कितना शानदार बना हुआ है। ये देखिए कितना शानदार आप यार, ये देखो पुराने ज़माने के, ये देखिए ये देखिए क्या सुंदर वीडियो है आपके लिए। यहाँ पर कई प्रकार के चित्रकारी वगैरह भी की गई है। पुराने ज़माने में भी इस प्रकार के लोग इतने मजबूती के तरीके से इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर ले जाकर इसको बनाया गया है। ये देखिए मैंने ये वीडियो पहले बनाया था, उसके बाद में अब एडिटिंग कर रहा हूँ इसके अंदर। ये देखिए क्या डिजाइन, सुंदर सुंदर डिजाइन है के अंतर्गत बनाया हुआ है। ये कहा जाता है दोस्तों दिए रखने के लिए बनाए जाते थे छोटे छोटे। ये देखो बैठने के लिए सभा वगैरह होती थी, यहाँ राजा बैठते थे। ये देखो ये अंदर का पूरा ये तोपों खाना, बाहर तोपे आज भी लगी हुई है ऐसे कैसे जिसे लोग देखते हैं। ये देखिए दोस्तों गुलाब सागर, आपको पता मालूम होगा कि जोधपुर की सभी सतहें ब्लू दिखाई देती है। ये चामुंडा माता का मंदिर जहाँ अपन ऊपर आ चुके हैं, ये देखिए ऊपर आए हैं चामुंडा माता का मंदिर। आज भी पुराने समय से यहाँ पर संगीत वगैरह बजाए जाते हैं। अब ये आए हैं जसवंतड़ा, जसवंतड़ा का भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये देखिए जसवंतड़ा क्या शानदार तरीके से बनाया हुआ मकरण है, ऐसे ये आसपास की छतरियाँ। देखिए ये कमाई के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं और अपना म्यूजियम बजाते रहते हैं। हेलो गाइस, ये मंडोर की छतरियाँ हैं जहाँ पर बहुत ही शानदार कलाकृति गई। ये देखो मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ शानदार पुराने ज़माने की कलाकृतियाँ हैं। ये है दहीकड़ा जहाँ पर बहुत सारे हिरण पाए जाते हैं और ये है जजवाड़ कला जहाँ पर सबसे ज़्यादा कुर्जियाँ आती हैं। किचन में तो आती है लेकिन हमारे गांव के आसपास क्षेत्रों में खूब सारी कुर्जियाँ आती है। ये कुर्जे हैं साइबेरियन कहते हैं। और ये है नई सड़क जूतों की दुकान है जहाँ चमड़े के जूते मिलते हैं होलसेल रेट में, बहुत ही शानदार तरीके के डिजाइनदार जूतियाँ, ठीक है। नई सड़क जूती मार्केट जोधपुर के अंतर्गत है ये। ये देखिए कितने शानदार तरीके से जमाते हैं और वाजिब रेट में, इतने महंगे भी नहीं मिलते यहाँ पर। ये देखिए हमने यहाँ पर भाई साहब से बात भी की थी लेकिन उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आने के कारण हमने उनको काट दिया था। देखिए ये देखिए दोस्तों हैंडीक्राफ्ट मार्केट जहाँ पर लोहे के
द्वारा बनाए गए कलाकृतियाँ हैं खूब सारी, जिसके ऊपर कलर वगैरह किया जाता है, इन्हीं को हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है। और यहाँ पर ये खूब सारे लोग काम करते हैं जोधपुर में, हैंडीक्राफ्ट मार्केट जोधपुर। दोस्तों हम अब जनता स्वीट होम पहुंच चुके हैं, जहां पर हम थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे। मैं वीडियो अकेला बनाने वाला हूं, इसके कारण मैं इस वीडियो में आपको दिखाई नहीं दिया, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये मिठाइयां वगैरह जो जोधपुर की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान मानी जाती है, यहाँ का मिर्ची बड़ा, कचौरी, समोसा, आहा क्या लाजवाब है दोस्तों। यहाँ पर साफ सफाई देखिए साहब, एक भी मक्खी वगैरह नहीं दिखेगी, इतनी स्वच्छता है यहाँ पर। पर्यावरण प्रदूषण से दूर बना हुआ, नई सड़क के ऊपर शानदार तरीके से बनाया गया है। ये दोस्तों घास मंडी के पीछे वाला रास्ता जो घंटाघर की तरफ जाता है वो है। अब बहुत अंधेरा हो चुका है, इसके कारण मैं घर पे जाना चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। जय जवान, जय किसान, जय जवान। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।